दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके व्यक्तित्व, उनकी महानता और उनके ज्ञान का राज क्या था। ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बन पाए? वह कौन सी शक्ति थी जो विवेकानंद की आवाज में ओजस्विता, आंखों में चमक और शरीर में पुष्टता लाती थी? दोस्तों, वह शक्ति थी उनके 12 वर्षों के अखंड ब्रह्मचर्य की। तो आइए दोस्तों, आज हम स्वामी जी के शब्दों में ही जानते हैं ब्रह्मचर्य पर उनके विचार क्या थे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप ब्रह्मचर्य पर क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपनी यूरोप यात्रा के दौरान जर्मनी गए थे। वहां कील यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल ड्यूशन स्वामी विवेकानंद की अद्भुत याददाश्त देखकर दंग रह गए थे। तब स्वामी जी ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा था, ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है, और मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो फिर अन्य शक्तियां भी अपने आप विकसित होने लगती हैं। उन्होंने आगे कहा, ब्रह्मचर्य का ऊंचे से ऊंचा अर्थ यही है, ब्रह्म में विचरण करना। जो ब्रह्म में विचरण करे, जिसमें जीव भाव न बचे, वही ब्रह्मचारी है। जो मैं हूं वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही मैं हूं। ऐसा अनुभव जिसे हो जाए, वही ब्रह्मचर्य की आखिरी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ परमात्मा स्वरूप है। संयम की आवश्यकता सभी को है, चाहे बड़ा वैज्ञानिक हो या दार्शनिक, विद्वान हो या बड़ा उपदेशक, सभी को संयम की जरूरत है। स्वस्थ रहना हो तब भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है, सुखी रहना हो तब भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है, और सम्मानित रहना हो तब भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है। कोई चारों वेद पढ़कर कंठस्थ कर ले और उसका अर्थ भी समझ ले, उसके पुण्य को तराजू की एक तरफ रखें और दूसरे तरफ कोई अंगूठा छाप है, लेकिन 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य से बचा है, उसका पुण्य रखे तो ब्रह्मचारी का पलड़ा भारी होगा। ब्रह्मचर्य ऊंची समझ लाता है। जो ब्रह्मचारी रहता है वह आनंदित रहता है, निर्भीक रहता है, सत्य प्रिय होता है। दोस्तों, इसी प्रकार एक और स्थान पर विवेकानंद ब्रह्मचर्य का महिमा मंडन करते हुए कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, यह शक्ति सभी में आ सकती है। यह शक्ति उनमें आती है जो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैं स्वयं उस तरह के ब्रह्मचर्य का पालन कर चुका हूं, और उससे मानो कि एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया है। इसलिए मुझे अब दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए भी ज्यादा तैयारी करना या सोचना नहीं पड़ता। मान लो कि मुझे कल व्याख्यान देना है, जो भी मुझे बोलना होगा वह मेरी आंखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात को गुजर जाता है, और अगले दिन मैं वही सब जो मैंने देखा था शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। तो अब तुम समझोगे कि यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि सिर्फ मेरी हो। जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वह निश्चित रूप से इसे पाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी इसे पाओगे। हमारे शास्त्र यह नहीं कहते कि केवल ऐसा ऐसा व्यक्ति ही इसे पाएगा और दूसरा नहीं। मेरा यह सब कहने का उद्देश्य यह है कि आपको यह समझा सकूं कि हर राष्ट्र के जीवन का अपना एक नैतिक लक्ष्य होता है, और उस राष्ट्र के शिष्टाचार और रिवाज उसी उद्देश्य की दृष्टि से समझे जाने चाहिए। पाश्चात्यों को उनकी आंखों से देखा जाना चाहिए, उन्हें हमारी दृष्टि से देखा जाना और हमें उनकी दृष्टि से देखा जाना, दोनों गलतियां हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य उनसे ठीक उल्टा है। छात्र के लिए संस्कृत का शब्द ब्रह्मचारी है, जो कि कामजीत शब्द का पर्याय है, वह जिसका उसके कामविवेक पर नियंत्रण है। जीवन का हमारा लक्ष्य मोक्ष है, वह ब्रह्मचर्य या पूर्ण संयम के बिना कैसे पाया जा सकता है। इसलिए यह हमारे बालकों और युवाओं पर छात्र जीवन के दौरान एक अनिवार्य शर्त के रूप में रखा जाता है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद से।